जीवर जी आप देख रहे हैं कबूतर बहुत गर्मी में जनाब धूप में बैठे हैं और इनके लिए सारा ये काम किया जा रहा है ताकि जो परिंदे हैं वो इतनी गर्मी में, एक वो देखे सामने, ये देखे इधर भी बैठा है, तो इनके लिए छांव का भी इंतज़ाम होना चाहिए और पानी का भी। मेरे कितना अच्छा माशाल्लाह कबूतर हैं जी, ये देखें माशाल्लाह। और धूप आप देख सकते हैं, कड़क की धूप है, ये देखें, ओहो हो, ये देखिए इस तरह से पानी भरना है आपने पेड़ में। और ये गर्मी से बचने के लिए देखिए परिंदों के बड़े खूबसूरत घर बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं उमेर भट्ट एक नए ब्लॉग के साथ आपकी तरफ हाजिर हूँ। व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज के ब्लॉग में हम कहीं बाहर नहीं जा रहे, बल्कि आज मैंने आपको बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज देना है। जैसा कि आपको मालूम है जी, आजकल गर्मी बहुत पीक पे है और 44-45 टेम्परेचर जो है सियालकोट में इस टाइम है, लाहौर में इससे भी ज़्यादा है और दूसरे इलाकों में भी पाकिस्तान के बहुत सख्त गर्मी पड़ रही है। तो जैसे हमें गर्मी में प्यास वगैरह लगती है, तो मैंने सोचा था कि इसी तरह परिंदों को भी ज़ाहिर प्यास लगती होगी, पानी के लिए उनको बड़ा मुश्किल होती है, पानी किस तरह पीना है, कहाँ से पीना है। तो आज का जो व्लॉग है हम आपको बताएंगे कि घर में किस किस जगह पर आप वो उनके लिए पानी रख सकते हैं, उनके लिए खाना रख सकते हैं, ताकि इतनी गर्मी में उनको कहीं दूर ना जाना पड़े, परिंदों को घर में बैठ के आपके पानी वगैरह पी सकें। इसका अजर भी बहुत ज़्यादा है, इंशाल्लाह आप इस पर अमल करेंगे तो आपको दिली खुशी भी होगी। तो आज का व्लॉग इस पर करने लगे हैं। अभी हम जाते हैं ऊपर छत पर, जाके मुर्गियों को दाना डालते हैं, उसके साथ साथ हमने पानी भी रखना है। और ख्याल रखना है आपने कि पानी उस जगह रखना है जहाँ पर धूप डायरेक्ट ना पड़ती हो, क्योंकि धूप में पानी गर्म हो जाता है तो वो परिंदों को पीने में बड़ी मुश्किल होगी। तो पानी आपने छांव में रखना है, अभी जाके हम प्रैक्टिकल आपको बताएंगे भी, और आपने पूरा ब्लॉग देखना है। आइए अब जल्दी से ऊपर जाते हैं छत पे। ले जी, सबसे पहले करते हैं मोटर का बटन ऑन करते हैं पानी, ताकि ठंडा पानी आना चाहिए, गर्म पानी नहीं लेना आपने, ठीक है। अब चलते हैं ऊपर छत पर, जाके सबसे पहले जनाब आपको बताते हैं किस तरह आपने पानी रखना है और दाना रखना है परिंदों के लिए। बहुत सख्त गर्मी है, यकीन जाने अभी सुबह के 7:30-8 बज रहे हैं और सुबह में ही ठीक ठाक पसीना आ रहा है। तो अब ऊपर जा रहे हैं, नहीं जी जी हम आ गए ऊपर, ऐसे ही ऊपर आते हैं तो वो देखें कैसे मुर्गियां बाहर आती हैं। और धूप आप देख सकते हैं, कड़क की धूप है, ये देखें, ओहो हो जीवर जी आप देख रहे हैं कबूतर बहुत गर्मी में जनाब धूप में बैठे हैं, और इनके लिए सारा ये काम किया जा रहा है ताकि जो परिंदे हैं वो इतनी गर्मी में, एक वो देखे सामने, ये देखे इधर भी बैठा है, तो इनके लिए छांव का भी इंतज़ाम होना चाहिए और पानी का भी। तो अभी ये करते हैं जी इंतज़ाम, छत पे हम आ चुके हैं, ये देखें देखते हैं मेरे कितना अच्छा माशाल्लाह कबूतर हैं जी, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें जनाब। तो अभी इनके लिए जाके करते हैं इंतज़ाम पानी वगैरह का, दाने का, ताकि ये परिंदे जो हैं आराम से पानी वगैरह पी सकें जी। तो अभी आपको बताते हैं जी, इस तरह छत पे आप ये देखें, जैसे ये छांव है जहाँ पे धूप ना आती हो, ठीक है, उस जगह पे आपने पानी रखना है जहाँ पे धूप ना आ रही हो। ये देखें, ये मेरा वैसे ये कॉर्नर होता है, इस जगह पर मैं रखता हूँ, इधर पूरा दिन धूप नहीं आती, ये आपने ख्याल रखना है, जहाँ धूप ना आए वहाँ पे आपने पानी और कुछ दाना वगैरह रखना है। वो देखना सामने कबूतर मैंने आपको दिखाए हैं। तो अब पहले जाके मुर्गियों को दाना वगैरह डालते हैं। इधर जी हम दाना डालते हैं और आपको बताएंगे किस चीज़ में, कोई आपने देख लें कोई डिब्बा हो जाए, कोई प्लेट हो जाए जिसमें आप पानी वगैरह रख सकते हैं। जैसा कि ये देखें, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं पानी डाल देते हैं, ये देख रहे हैं, इस तरह की ट्रेज आपको मिल जाएंगी बाज़ार से भी, इसमें पानी डालना है, ठंडा पानी, ठीक है। ये हम खोलते हैं पानी, ठंडा होना चाहिए, हाँ ये ठंडा आ गया, मोटर चला रहे थे हम, ये देखिए इस तरह से पानी भरना है आपने पेड़ में, इसको इस तरह से छांव में रखना है, धूप में नहीं रखना आपने। देखिए एक कॉर्नर पे इस तरह से छांव में आपने पानी रख देना है,
ताकि परिंदे आराम से आके पानी वगैरह पीते जा सके। इसका बड़ा स्वाद है जी, ये आपने लाजमी करना ये काम। पानी बंद करते हैं, उधर इंशाल्लाह हम दाना भी डाल देंगे थोड़ा सा, ताकि पूरा दिन परिंदे वगैरह आएँ और दाना वगैरह भी खाएँ और पानी भी पी लें। ठीक है, मुर्गियों को भी पानी वगैरह चेंज करते हैं और साथ दाना डालते हैं इनको। ये देखें, पहले हम मुर्गियों को दाना डालते हैं, फिर बाहर जो हमने पानी रखा है इस तरह से देख रहे हैं। काम हुआ देखिए, मुर्गियाँ खाना शुरू हो चुकी हैं। चलो काफ़ी है, ये देखिए किस तरह से खाना शुरू हो गया है मुर्गियाँ। और पानी चेंज करते हैं जी साथ ही, ये हर रोज़ पानी चेंज करना है आपने। ये देख रहे हैं, इसको भी पानी वाटर पूरी भर लेते हैं, बड़ा ठंडा खार पानी आ रहा है। ये देखिए हम बॉटल पूरी भर के ले आए हैं ठंडे पानी की, और ये खोलते हैं जी डोर और यहाँ पर रखते हैं पानी। ये तो हो गया हमारी मुर्गियों के लिए पानी के यहाँ। ठीक है, अब एक और मेरे पास ट्रे है, वो भी किसी और जगह पे रख लेते हैं। जैसे ये ट्रे पड़ी है, इस कॉर्नर में रख देते हैं पानी, इसमें डाल के। ठीक है जी, इस तरह मुख्तलिफ़ जगहों पर आपने पानी रखना है और दाना भी डालना है। मैंने उस कॉर्नर पे दाना भी डालते हैं जनाब, इस कॉर्नर पे हम दाना भी डालते हैं थोड़ा सा, ताकि जो परिंदे हैं वो आके खा सकें। ये देखिए, इस तरह से कॉर्नर पे दाना डाल देते हैं, ये सुबह तक जनाब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये पानी भी हमने रख दिया है। ठीक है, अब दूसरी ट्रे जो है एक और, उसको भी भर के रखते हैं जी। नहीं जी, एक ये जगह हो गई, एक वो सामने हो गई इस कॉर्नर पर, ये देख रहे हैं। इस तरह दो तीन जगहों पे आपने रख देना है जी। जीवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर तो हमने दाना और पानी डाल दिया है दो तीन जगहों पे, अब नीचे जाके देखते हैं अगर कोई जगह है तो उस जगह पे भी जाके पानी रखते हैं। आप यकीन जाने बहुत सख्त गर्मी पड़ रही है इस टाइम भी सियालकोट में, पसीना आप देख सकते हैं ठीक ठाक पसीना आ गया है इतनी देर में ही, बस 5-10-15 मिनट हुए हैं। तो यकीन जाने बहुत सख्त गर्मी है, तो ये आपसे मेरा यानी हम पर रिक्वेस्ट भी है आपको कि आपने लाजमी ये काम करना है, उस जगह पर पानी रखना है जहाँ छाँव हो, धूप के अंदर पानी नहीं रखना, नहीं तो पानी बहुत गर्म हो जाएगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा परिंदों का। तो बेहतर है कि आपने ये छांव के अंदर पानी रखना है और इस पे अमल आपने ज़रूर करना है। आप नीचे जाते हैं, नीचे भी जाके देखते हैं स्पॉट्स, वहाँ पे जाके पानी रखते हैं। तो आइए आप भी साथ चलें। ले जी, हम नीचे आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पर, तो ये बाहर हमारी बालकोनी भी है, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर भी पानी रखते हैं जी। चलो जी, ये देखिए ये जगह है जहाँ पे हम पानी वगैरह रख सकते हैं, तो पहले पानी भर के लाते हैं, फिर इंशाल्लाह इधर भी रखते हैं जी पानी। ठीक है, यानी 5-6 जहाँ जहाँ आपको जगह मिले वहाँ पे आप पानी रखें। ये प्लेट ले लिया मैंने, इसके अलावा हम पानी ऐड करते हैं। अच्छा, ये पानी अभी गर्म आ रहा है, इसको ऐसे मैंने खोला हुआ है, जैसे ही पानी ठंडा आएगा फिर वो भरेंगे इंशाल्लाह। बस पानी ठंडा आ चुका है, तो ये हमने इस तरह से प्लेट में भर लिए, देख लें। अब ये रखते हैं जी वहाँ बाहर जाके। नहीं जी, इधर छाँव में इधर रखते हैं जी पानी ये वाला, ठीक हो गया। ये देखें, दो तीन जगहों पे, बल्कि ज़्यादा जगहों पे हमने रखा है। तो ये सामने आप देख रहे हैं, यहाँ से परिंदे आएंगे पानी वगैरह पियेंगे। तो अब चलते हैं नीचे जी, नीचे जाके भी देखते हैं। नहीं जी, अब नीचे फ्लोर पर आ चुके हैं, अब नीचे जा कर देखते हैं जी कौन कौन सी जगह हैं। ये भी गौंसला है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इधर भी कहीं पानी रखते हैं, तो देख रहे हैं गौंसले में। तो अब ऐसा करते हैं, ये सीढ़ी लेते हैं और सीढ़ी जो है ना यहाँ पर बनाते हैं जगह जी, इस जगह पर। ठीक है, इधर पानी रखते हैं, एक उधर गौंसला है सामने, एक ऊपर है गौंसला, इधर इधर भी जनाब पानी रखते हैं, ये दो तीन जगहों पे पानी रखते हैं जी। सीढ़ी लगा चुके हैं बड़ी एहतियात से ऊपर जाना, ये कल भी मैंने रखा था। ये देखिए खाली हो गया, देख रहे हैं। तो इस तरह से बॉक्स होने चाहिए जो आपने पानी रखना है इसमें, जैसे पानी भरते हैं। ये देखें, सामने पानी भर के इसको इसी तरह से जो आप दो तीन जगह पर रखना है।
देख रहे हैं सुबह का टाइम है तकरीबन 7:30-8 बज रहे हैं। इसको हम लेके जाते हैं बड़ी प्यार से। ये देखिए इस तरह, ये ले जनाब। वो सामने घोंसला बना हुआ है इधर, इधर भी घोंसला है, इसी में ये देख रहे हैं। ये तो इसके करीब करीब हम पानी रख देते हैं, वो सामने भी रखते हैं जी। देखो जैसे ही पानी रखा है वो देखिए स्पैरोस, वो देख रहे हैं आप, ये साथ ही आ गए हैं पानी पीने के लिए। ये देख रहे हैं, ये उनका घर भी है, घोंसला भी बना हुआ है। और ये देखें, ये बिल्कुल जिधर हमने पानी रखा है उसके करीब आ गए हैं। तो अब जनाब हमने दूसरा बॉक्स भी ले लिया है, ये देखें। नहीं जनाब इसको रखते हैं इधर के सामने, इधर इसके ऊपर रख देते हैं ऐसे ऐसे करके। ये देख रहे हैं ऐसे रख देते हैं, इधर से आगे पानी पी लेंगे, वो भी सामने पहुँच रहा है, वो देख रहे हैं। लें व्यूवर्स, घर में तो हमने कर लिया, अब ये बाहर हमारी गली में ये हमारे मामू ने बनाए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। यानी पानी वाली बॉटल्स हैं ये, और उसके साथ उन्होंने देखे कितने खूबसूरत ये घर बना दिया है स्पैरोज़ के, और इसमें साथ पानी भी रखा हुआ है नीचे उन्होंने। और दाना के लिए ये देखें, ये बॉटल है ये स्प्राइट कोक की, किस तरह ट्रे बना दी गई है उससे। और अल्हम्दुलिल्लाह जनाब आज हमने पानी डाला है, और उसके साथ साथ आपको ये घर भी दिखाए हैं परिंदों के। तो इस तरह के आप भी इकदामात करें ताकि गर्मी से परिंदे बच सकें, बहुत सख्त गर्मी है, इसका अल्लाह ताला आपको बड़ा अजर देगा। तो ये जो मैंने आज आपको जो जगह बताई हैं उस पर आपने अमल करना है। इस तरह आपने अगर ज़रूरी नहीं कि घर बने हों इस तरह से, ये तो मशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन अगर आपके पास कोई पानी की बॉटल है तो अपनी छत पर या किसी शेड पर आप रख लें, बालकोनी में रख लें, ताकि परिंदे आके देखे, बेचारे परिंदे गर्मी में बैठे हुए हैं जी, आके पानी पिए ठंडा और आपको स्वाब हो। तो आज का व्लॉग बड़ा इन्फॉर्मेशन से भरपूर व्लॉग था, आपको देखे ये घर भी दिखाए हैं, उसके साथ साथ आपको पानी बताया भी है किस तरह आपने रखना है। अभी व्लॉग का करते हैं एंड जी। और उम्मीद करता हूँ मेरा आज का जो व्लॉग है आपको पसंद आया होगा। आज के व्लॉग में एक मैसेज था जो मैंने देने की कोशिश की है आपको, तो इस पर आपने अमल भी करना है। आपको पता है जी बहुत सख्त गर्मी पड़ रही है, पसीना आप देख सकते हैं थोड़ी सी देर में कितना पसीना आ गया है। तो इंसानों को इतनी प्यास लग रही है, तो परिंदे तो आपको पता है बेज़बान होते हैं, तो उन्होंने मांगना तो नहीं, लेकिन उनके लिए आप इस तरह की स्पेसेस वगैरह में जाके पानी ज़रूर रखें, दाना भी रखें, ताकि गर्मी के मौसम में वो आराम से पानी वगैरह पी के जा सकें। इसमें बहुत ज़्यादा अजर है, इंशाल्लाह आप ये काम करेंगे अल्लाह ताला आपको इसका बड़ा अजर देगा। तो बाकी छोटा सा व्लॉग था, मैंने एग्ज़ाम मेरे जहन में आया तो मैंने कहा इस पर भी व्लॉग बनाना चाहिए, इसको ज़रूर आपने इस व्लॉग को शेयर भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ये मैसेज हमारा जा सके उन तक, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह व्लॉग कल आएगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। इस दुआ के साथ कि खुश रहें, आबाद रहें, एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।